बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आज एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस से उनको बनाया गया है। विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ हैं जो उत्तर प्रदेश के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विश्वनाथ जी, आज बहन जी को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या चीज़ें हुई, कैसे क्या प्रक्रिया हुई? देखिए, आज पूरे देश के लोगों की बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक थी और जिस बैठक में हमारे सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और जो और हमारे डेलीगेट रहे हैं, सब लोगों के सर्वसम्मत से, क्योंकि अकेली बहन जी हमारी कैंडिडेट थी, अध्यक्ष के दावेदार अकेली बहन जी थी, सर्वसम्मत से सभी लोगों के समर्थन से माननीय बहन जी को पुनः अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए मैं माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे बहुजन समाज में एक खुशी की लहर है इस चीज़ से। इस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और क्या चीज़ों को लेकर के दिशा निर्देश क्या बहन जी की तरफ से आप लोग को मिले? बहन जी के निर्देश है, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, फिर से हम बूथ और अपना सेक्टर संगठन को मजबूत करके और जो पीछे चुनाव हुए हैं इसमें जो इंडिया इंडिया गठबंधन के मिली भगत से जो हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है, उस चीज़ को फिर हम गांव-गांव बूथ स्तर पर कैडर के जरिए अपने लोगों को समझा करके इतना मजबूत तैयार करेंगे फिर, ताकि कोई आदमी गुमराह ना कर सके किसी तरीके से। आपको लगता है कि गुमराह किया गया है क्या जो पिछले चुनाव में? आप जानते हो कि इस देश में बाबा साहब बनाया हुआ संविधान जो इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे अयोध्या के ही सांसद माने लल्लू सिंह जी ने कहा कि 272 सीट अगर हमारी आएगी सरकार बनाएंगे, 400 पार जाएगी तो संविधान बदलेंगे, जबकि संविधान बदला नहीं जा सकता इतनी आसानी से। और जैसे वो भाजपा के सांसद ने बोला तैसे जो इंडिया गठबंधन के लोग रहे, कांग्रेस समाजवादी के लोग, ये लोग तुरंत चिल्लाने लगे कि हम संविधान बचाएंगे। आप संविधान क्या बचाओगे? संविधान की किसी आर्टिकल को संशोधन करके किसी का फायदा नुकसान तो किया जा सकता है, और इसको करने में कांग्रेस सबसे आगे रही है, समाजवादी सबसे आगे रही है और आज भारतीय जनता पार्टी भी आगे है, जो आर्टिकल को संशोधन करके हमारे SC ST समाज का नुकसान किया जा रहा है। अभी आपने देखा है 69,000 की भर्ती में किस तरीके से घोटाला किया इस सरकार ने, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि सरकार ने बेईमानी की है। करीब 18,000 OBC समाज के और लगभग 6,000 SC ST समाज के लोगों की जो हिस्से की नौकरी थी, उस नौकरियों में घोटाला करके इन लोगों ने सामान्य वर्ग के लोगों को घोटाला करके भरने का काम किया है। इसके लिए हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, इसके लिए मैं हाईकोर्ट धन्यवाद देता हूँ और हाईकोर्ट ने इनको मौका दिया है 3 महीने के अंदर पुनः सूची बना करके जो जिसके हक की नौकरी उसको देने का काम करें। जी बताइए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बहन जी ने उसको लेकर के भी कोई दिशा निर्देश दिए हैं किस तरीके से क्या? निश्चित है कि आज भी और इसके पहले भी बहन जी दिशा निर्देश दे चुकी हैं और लगभग हमारे 10 में 5-6 सीटों पर कैंडिडेट भी बहुजन समाज पार्टी ने घोषित कर दिया है और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आने वाले समय में जिन अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश दे गए, किसको क्या कमान दी गई है? नहीं, निश्चित है कि जो भी चुनाव हो रहा है उसमें बहन जी बहुत मजबूती से नजर रखे हैं और बहन जी के गाइडलाइन में सारा चुनाव लड़ा जा रहा है। हम लोग बहन जी के गाइडलाइन में, निर्देशन में चुनाव को जीत करके आएंगे। आकाश आनंद को लेकर के जिस तरीके से पिछले दिनों बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आप अब क्या कुछ? हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और हर समाज का नौजवान उनसे एक आशा रखता है, उम्मीद रखता है। निश्चित है बहन जी उस नौजवानों की उम्मीद पर, आशा पर उनको फिर से मौका दिया है और निश्चित है कि पूरे देश में आकाश आनंद के आने से एक लहर पैदा हुई है और जो बहन जी का निर्देश होगा, बहन जी के निर्देशन पर पूरे देश में वो काम करने का काम करेंगे। और भी आज भी कुछ नई जिम्मेदारी किसी को दी गई है, कुछ कोई बदलाव कहीं किसी चीज़? देखिए, माननीय बहन जी हमारे नेता हैं, वो जिसको जो जिम्मेदारी देती है उस पर काम करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप विश्वनाथ पाल जी को सुन रहे थे जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।